ये जो साड़ी है आप देख रहे हैं सिल्क सैटिन की सॉरी सॉरी टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूंग गुड तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो सारी लुक्स जो की इंस्पायर सोनम कपूर से मैं पेंट पे रैंडमली सर्च करती रहती हूँ कुछ ना कुछ आउटफिट आइडिया साड़ीज के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए नॉर्मल साड़ी ड्रेपिंग तो सब लोग करते हैं पर थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ड्रेपिंग स्टाइल्स आपके साथ भी शेयर करूँ दैट हाउ आई वेयर इट एंड लेट मी टेल यू टू बी ऑनस्ट बहुत ही कम्फर्टेबल ड्रेप्स हैं दोनों बहुत ही कम्फर्टेबल ड्रेप्स so इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ दो साड़ी लुक्स पहली साड़ी लुक में मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप धोती ड्रेपिंग कैसे कर सकते हो जिसके लिए मैंने जो साड़ी यूज की है वो है सिल्क फैब्रिक में इट्स अ प्योर सिल्क फैब्रिक प्योर सैटिन सिल्क फैब्रिक एक्चुअली और या इसका जो आप देखेंगे बॉर्डर ब्लैक है तो इसलिए मैंने ब्लैक सैटनी मटीरियल में ही ये क्रॉप टॉप वेयर किया है वो तो बस दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखें जब भी आप साड़ी को ड्रेप करें इनफैक्ट उसके जब प्लीट्स आते उसको आप अच्छे से पिन जरूर कर लें सो so दैट कि जब आपको वॉशरूम यूज करना हो तो आप बस निकाले और वॉशरूम करें और फिर से आप टक इन कर ले वेरी इजी तो या ये दो ड्रेप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूं और बहुत ही कंफर्टेबल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ये ड्रेप्स हैं एंड ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे लगोगे अगर आप इसको ऐसे स्टाइल करते हो ओके okay? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू ऑल अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यार ज़्यादा से सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना वो मेरे लिए बहुत बेटर करता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आई होप इट्स यूजफुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस लुक के लिए कोई भी पेटीकोट नहीं पहना है आप कोई भी जगिंग से जीन्स पहन सकते हैं और आप वेस्ट पे अपने बेल्ट लगा सकते हैं सो दैट कि जब आप टी आ, प्लीट्स टक इन करें तो ईजली टक इन हो जाए सो या मैंने पहनी है स्कर्ट और ये स्कर्ट काफी टाइट है तो काफी अच्छे से यू नो होल्ड कर लेगी प्लीट्स को सबसे पहले आपको पल्लू सेट करना पड़ता है पल्लू के लिए मैंने प्लीट्स बना ली है और उसको मैं अपने शोल्डर पर लेके जाऊँगी प्लीट्स को आप हमेशा सिक्योर कर लीजिए यूजिंग सेफ्टी पिन इससे आप कि आपका जो पल्लू है सिक्योर रहता है और गिरता नहीं है ओके okay? तो इतनी लेंथ होनी चाहिए आपके पल्लू की लंबी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है फिर मैं ये जो रिमेनिंग फैब्रिक है इसको पीछे से, की तरफ से लेके आऊँगी और सारी ड्रेप करने से पहले हमेशा हील्स पहन लीजिए उससे आपको आइडिया मिल जाता है सारी ड्रेपिंग का सुया फिर मैंने क्या करना है इतना फैब्रिक मैंने छोड़ना है तो इतना फैब्रिक आपको छोड़ देना है और यहाँ से आप प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे जी यहाँ से ऑल राइट नॉर्मल जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं सारी की बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है और या आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आप बहुत आसानी से प्लीट्स बना लेंगे तो इस तरीके से आप थोड़ा सा झाड़ लीजिए अपनी प्लीट्स को सो दैट कि यू नो एक अच्छा सा फॉल क्रिएट हो सके अब हम ये फॉल को अब सिक्योर कर सकते हैं इन प्लीट्स को यूजिंग सेफ्टी पिन, सो दैट कि ना, ऑल right? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फिर पीछे की तरफ आपको इस तरीके से इन कर देना है अपने स्कर्ट के अंदर या आप जो भी आप पहन रहे हैं बेल्ट के अंदर टक इन कर लीजिए अब जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसकी भी हम प्लीट्स बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में आपको छोड़ना है उस छोड़े हुए फैब्रिक की आप इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे और फिर आपको अंदर की तरफ यहाँ पर आपको इस प्लीट्स को टक इन कर देना है दैट्स ऑल तो इतना सा काउल इफेक्ट आप रहने दें काउल इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है और आप अपने जो आगे की तरफ आप आपने जो प्लीट्स बनाई थी ना उसको भी आप सिक्योर कर लीजिए यूजिंग सेफ्टी पिन एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अदरवाइज आप अपनी साड़ी फाड़ सकते हैं फिर मुझे याद आया कि यार ये तो यू तो, नो थोड़ा सा अलग लग रहा है मतलब आगे की तरफ से विजिबल हो रही है स्कर्ट तो मैंने क्या किया क्विक चेंज करके मैंने जेगिंग्स पहनी और सच बताऊँ जेगिंग्स अगर विजिबल हो तो भी अच्छा लगेगा और मैंने क्या किया कि मैंने जेगिंग्स को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश कर लिया सो दैट की मेरी थोड़ी स्किन रिवील हो सो so या yeah, uh, आप दोनों वेज में इस साड़ी को ड्रेप कर सकते हो जेगिंग्स को विजिबल दिखा सकते हो अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो आप ऊपर की तरफ भी उसको रख सकते हो और एक्सेसरीज़ की बात करें तो मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी जो कि बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है ब्लैक एंड ग्रीन को सो so या yeah, बहुत ही ईजी पीजी ये ड्रेप है एंड सच बताओ बहुत ही कम्फर्टेबल है आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो बस एक चीज़ ध्यान रखें जब भी आप प्लीट्स पर आए हमेशा उसको सिक्योर कर ले यूजिंग सेफ्टी पिन सो दैट कि जब आपको वॉशरूम यूज़ करना हो प्लीट्स निकालो एंड यूज़ कर लो वॉशरूम एक और चीज ध्यान रखें जब भी आप साड़ी यूज़ करें इस ड्रेप के लिए हमेशा लाइट वेट साड़ी ही यूज़ करें हैवी साड़ी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी इस ड्रेप के लिए सो so, पतली हो अच्छी हो लाइट वेट हो ऑल राइट right? ओके नाउ नेक्स्ट वेप के लिए मैंने स्कर्ट ही पहनी है ऑलरेडी फिर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं आप पेटीकोट भी पहन सकते हो पेटीकोट को थोड़ा ऊपर की तरफ आप रोल करके यू you नो know, एक मिड uh, लेंथ आप बना सकते हो अब ये जो साड़ी है बिल्कुल ही लाइट वेट फैब्रिक है इसका प्योर सिल्क फैब्रिक में साड़ी है सैटिन सिल्क सो या इस तरीके से आपको ड्रेप करना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बट आपको लेंथ थोड़ी ऊपर की तरफ रखनी है ऑल right? आपको नीचे की तरफ जैसे नॉर्मल साड़ी हम पहनते हैं वैसे नहीं थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर लेकर फिर आप उसको टक इन कर सकते हो वेरी वेरी सिंपल सच में तो या ब्लाउज़ के लिए मेरे पास एक अच्छा सा यू you नो know, इस तरीके का ब्लाउज था जिसकी जो स्लीव्स हैं बहुत ही बलून शेप्ड हैं काफ़ी अच्छी स्लीव्स हैं जो कि काफ़ी सिमिलर थी सोनम कपूर की स्लीव्स के साथ भी एंड या yeah, बहुत ईजिली आप ड्रेप कर सकते हो जब भी आप प्लीट्स बनाएं हमेशा इस तरीके से प्लीट्स बनाकर आप उसका ज़्यादा फैब्रिक ऊपर की तरफ रखें और टक इन कर दीजिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए तीन चार अटैम्प्ट के बाद ये साड़ी ड्रेप हो गया था क्योंकि यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आप अकेले साड़ी ड्रेप करो कोई हेल्प ना हो आपके लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बट जब भी आपको लगे अनिवन लग रही तो आप पुल कर सकते हो नीचे की तरफ या यू कैन आस्क योर हस्बैंड टू पुल फुल नीचे की तरफ एंड या yeah, अब मैं प्लीट्स बनाऊंगी अच्छे से क्योंकि अगर आपकी प्लीट्स नीट नहीं होंगी जो आप शोल्डर पे रखेंगे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है सारी लुक सो so या yeah, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट वे ऑफ ड्रेपिंग अ साड़ी बी ऑनेस्ट मुझे पहले साड़ी बांधना नहीं आता था बट मैंने चैनल पे काफ़ी सारी स्टाइलिंग वीडियोस की हैं और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ घर पर जब मुझे साड़ी की कोई वीडियो बनानी होती है इसलिए यू नो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट राइट सो वही मैं बोल रही हूँ हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल ऑल्सो बी एक्सपर्ट अभी मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट but... ई कैन स्टिल मैनेज टू वेयर अ सॉरी तो हु इयरिंग्स पहने क्योंकि यह बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक है तो मुझे इसको ट्रेडिशनल लुक नहीं देना था मुझे मॉडर्न ही रखना था इसलिए मैंने हु पेयरिंग्स पहने हैं ये सुंदर सा ब्लैक बैक कैरिक किया है एंड मेरे ट्रांसपेरेंट हील जो कि आपको पता है मेरे फेवरेट है फिर मुझे लगा कि सोनम कपूर ने बेल्ट भी ऐड की है फिर मैंने क्या किया मैंने बेल्ट ऐड की है और अब मुझे लग रहा है कि ये लुक ज्यादा अच्छी लग रही है राइट आपको क्या लगता है तो या गाइज ये थे दो ड्रेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए जो कि है इंस्पायर सोनम कपूर से तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो प्लीज़ जाकर जाते इस वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड गिव दिस वीडियो बिग थाम्स अपन मे नेक्स्ट वन विद विद ब्रांड न्यू वीडियो आई लव यू सो 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 मच बाई टेक केयर